भाई कोई भी नहीं मुझसे मिलता। अच्छा मेरे हस्बैंड यार जो हर खुशी जैसे भी पूरी करते जैसे भी हैं, मैंने कभी उनको तंग नहीं किया कि मुझे ये लेके दो वो लेके दो, क्योंकि मुझे पता है कि जिस जब उसके पास होते वो खुद ही ले देता है। मैंने कभी उसको तंग नहीं किया, वो इस बात पे भी खुश है कि कभी उसने मुझे तंग नहीं किया किसी बात पे भी। मैं कहती हूँ कि उसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, मैं क्यों उसको तंग करूँ। ये मेरी टांगे दर्द होती है जब मैं काम करके फारिग होती हूँ, तो मेरे हस्बैंड मेरी टांगे से बात है, उसको पता है कि ये थक जाती है। पता नहीं किन सोचों में वो जा रही है, किसी की बच्ची है, काम करके आई है, क्या है क्या नहीं। तो आप ज़रा उनके पास जाके खड़े करें, मैं बात करूं कि ये कहां से आई है और इसने कहां पे जाना है। किसी सोचों में है हेलो बेटा, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है मेरी बेटी का? सकीना। तो कहाँ से आए हो बेटा? कोठी में काम करती हूँ। कोठी में काम करते हो आप? इतनी सी काम करते हो आप? तो क्या करें, मजबूरी है। तो कितनी उम्र है मेरी बेटी की? 27 साल है। ओह माय गॉड, 27 साल, आपकी उम्र 27 साल है। अच्छा बेटा मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ, कोई टाइम आप है आपके पास? टाइम है, चलो फिर आप ना कहीं खुली जगह पे ना उधर कहीं खुली जगह पे आ जाएं, ठीक है? मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। हाँ आज मैंने आपसे ना बात करनी है। तो मैंने तो समझा कि शायद आप कोई ना 10-11 साल की बच्ची हैं, तो आप तो माशाल्लाह 27 साल के हो, हैं? अच्छा मैरिड भी है, वाह भाई वाह। अच्छा तो किस मजबूरी से आप काम कर रहे हो, हैं? वो मैं जब मैं छोटी थी ना तो मेरी मम्मा मैं छोड़कर चले गए थे, तो मेरे डैडी। अच्छा अच्छा, आप जब छोटे थे तो आपकी मम्मा छोड़कर चली गई थी? हाँ। क्यों? तो फिर मेरे पापा ने दूसरी शादी की, तो अच्छा मारती थी। अच्छा अच्छा, यहाँ बैठ जाए। अच्छा आप, आपके ससुराल वाले भी नहीं आपका साथ दे रहे? नहीं, उन्होंने मैं घर से निकाल दिया, वो कहते हैं आपकी हाइट छोटी है, हमारे घर में सब बड़े बड़े हैं, हमें अच्छा नहीं लगता आपके साथ। ओहो, आपकी हाइट छोटी है, हमारे घर में सब बड़े बड़े हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता। अच्छा क्या नहीं लगता कि लोग कुछ कहते हैं? मेरे हस्बैंड ने फिर मुझे अपने साथ इधर लाहौर ले आया, और यहाँ पे हम लोग पहले हम किराए पे रहते थे, तो किराए पे हमारा ना काम नहीं सही चल रहा था। अच्छा। फिर हम लोग रिहाइश पे आ गए। अच्छा। तो ये बाजी भी इतना तंग कर दिया हम लोग, हमें ये काम छोड़ रहे हैं, यहाँ से भी काम छोड़ रहे हो? बाजी क्यों तंग कर रही है? वो सुबह से लेकर शाम 10-11 बजे तक काम करते हैं, 7,000 देती है, सारा दिन काम लेती है। ओहो, सारा दिन काम करती है और सिर्फ 7,000 आप लेते हो? 7,000 देती है। हाँ, तो मियाँ क्या काम करते हैं? वो मिस्त्री है। तो रहते कहाँ हो मेरे सोने? इसी कोठी में रहते हैं। इसी कोठी में रहते हो आप दोनों, मियाँ बीवी इसी कोठी में रहते हैं? अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि क्या परेशानी है जिंदगी में? परेशानी है मेरे पास, आज तो चले मेरे पास एक ही चार पाई जिस पे हम सोते हैं। कोई बिस्तर नहीं, कुछ चीज़ कुछ भी नहीं है। जब हम घर से आए थे तो हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, हम लोग शॉपर में खाना खाते थे, नीचे सोते थे। आस्ता आस्ता हमने एक चार पाई ली, थोड़े थोड़े बर्तन लिए। अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ से काम छोड़ के फिर कहाँ जाओगे? हम लोग अभी ढूंढ रहे हैं कि कहीं और को अच्छा घर मिल जाए। अच्छा, तो वहाँ चले जाएंगे, इसीलिए हम लोग पहले को जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो मुझे ये बताओ आपका नाम क्या है? सकीना। मुझे ये बताओ कि आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, आप ये बताओ मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत है, खुल के बताओ मेरा बेटा, खुल के बताओ। आप मेरी बेटी हो, अल्लाह पाक ने आज मुझे अपनी बेटी से मिलवाया है। मैं चाहती हूँ मेरे पास अपना घर हो, मैं जहाँ पर आसानी से आज़ादी से रह सकूँ, कोई काम ना करूँ। अच्छा, क्योंकि मुझसे काम भी नहीं होता, ये मेरी टांगे दर्द होती है जब मैं काम करके फारिग होती हूँ, तो मेरे हस्बैंड मेरी टांगे से बात है, उसको पता है कि ये थक जाती है। ओ सदके जावा, सदके जावा, सदके जावा। हनुमान साहब, बड़ी बड़ी दुखी स्टोरी है। अल्लाह किसी में नूर आता था। हाँ, बड़ी दुखी स्टोरी है। देखें छोटी सी जान किस तरह स्ट्रगल कर रही है,
कितनी मुश्किलात से गुजर रही है और लोग देखो, लोग कितने ज़ालिम हैं कि लोग किस तरह तामर करना चाहिए ना, ख्याल करना चाहिए बच्ची का। अच्छा अब आपने, अब परेशान नहीं हो ना, आपको जो ज़रूरत है मेरे अल्लाह पाक की तरफ से आपको मिलेगी, हैं? मैं आपको अपना नंबर दूंगी, आपको जब जब ज़रूरत पड़ेगी तब तब मैं आपकी सारी ज़रूरतें मेरे अल्लाह पाक की तरफ से पूरी करूँगी। अभी अगर मैं आपको पैसे दूँ तो आपकी जो बाजी है ये ना समझे कि आपके पास पैसे कहाँ से आए। चुप आप, तो काम करते हैं। हाँ नहीं, अभी आपने अपनी बाजी के घर जाना है। हाँ जी। मैंने ऊपर क्वार्टर में चले जाना अभी बाजी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। मैं अल्लाह पाक की तरफ से आपको ना, ये अल्लाह पाक की बेटा मर्जी है कि आज आप हमें मिले हो। मैं बाजी घर से निकल रही यही दुआ कर रही थी मैं, कि खुदा तू सारे रास्ते को खोलने की कुदरत रखता है। अल्लाह पाक तू रास्तों को खोलने की कुदरत रखता है, तू तमाम कुदरतों का मालिक है। तो देखो अल्लाह पाक ने कैसे, मैं दरस से लेट हो रही थी तो मैं कह रही थी अगर मैं लेट हो तो ना एंटर। दरस में क्या लेने जा रही थी? दरस पे कभी आटा मिल जाता है, कभी घी मिल जाता है, कभी चावल होता है, इस तरह की चीजें मिल जाती है, फिर मैं चले जाती हूं। अच्छा। उन लोगों को पता है तो वो नहीं कुछ भी कहते, उनको पता है। अच्छा अब आप दरस पे जा रहे थे? हाँ जी। तो वहाँ पर क्या नमाज दर्स करवाते, कुरान पाक पढ़ाते हैं। तो आप पढ़ते हो कुरान पाक? पढ़ते नहीं, मैं चुप करके सुनती रहती हूँ उनसे। क्यों? अच्छा। आप मुसलमान नहीं हो? नहीं मैं मुसलमान नहीं हूँ। हाँ। आप क्रिश्चियन हो? जी। अच्छा 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 अच्छा। सभी हम सबसे प्यार करते हैं। हाँ बेटा सबसे प्यार करते हैं, हैं? आप जो भी हो आप हमारे लिए इंसान हो, आप एक प्यारी सी बेटी हो जो इतनी स्ट्रगल कर रही है, हैं? तो आप वहाँ पे दर्स में कुछ लेने के लिए जा रहे थे, खाना खाने के लिए? हाँ जी। ओ, आज बिरयानी थी उधर। आज बिरयानी थी उधर। अच्छा। तो तुम्हें ये नहीं पता क्या खुदा तुम्हें क्या देने वाला है? ये नहीं था ना पता। अच्छा। ये खुदा की मर्जी से तो आपसे मिल गई। हाँ। अच्छा, अच्छा। मैं घर गई, घर से फिर वापस जा रही थी। अच्छा। मैंने कहा कि मैं लेट ना हो जाऊँ तो रास्ते में आप मुझे मिल गए। अच्छा तो राशन ले जाओगे आप? हाँ जी। राशन भी ले लोगे? इनमें से राशन भी देते हैं। ये लो, ये गिनो जरा कितने है पैसे। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं। वे मेरे खुदाया। बेटा मैं आपकी माँ हूँ, आज से आप अपने आप को अकेला नहीं समझना। मैं माँ हूँ बेटा आपको, आज आपको अल्लाह पाक ने माँ के साथ मिलवाया है। ठीक है। और किस गहराई से आपने बात दुआ मांगी है और अल्लाह पाक ने आपकी कितनी जल्दी पूरी की है ये आप सोच भी नहीं सकते हैं बेटा। हाँ? आज से आपने अपने आप को अकेला नहीं समझना। ठीक है। माँ आपको माँ मिली है, आपको अब्बू भी मिले हैं, हक नवाज आपके अब्बू हैं, तारा आपकी माँ है, और इसको संभाल लो। ये किसने भेजे हैं? उस खुदा ने। वो जो सबका मालिक है। हाँ। वो जो सबका मालिक है। वो जो सबका बचाने चढ़ाने वाला है। अच्छा कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, खुदा आपको जिंदगी तंदुरुस्ती दे। अच्छा तो ये बात अच्छी लगी कि हमने आपका बेटी बना ली है? ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा जी, मुझे माँ बाप मिल गया और क्या चाहिए। अब कितने खुश हो? बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो फिर खुशी वाली को बात सुनाओ ना आप। हाँ मेरे घर आए, मैं तुझे चाय पानी आपको बुलाती हूँ। खाना खिलाती। एक बेटी आती है टिकटॉक पे, वो बहुत हंसाती है, बिल्कुल इतनी हाइट है और बोलती भी इसी तरह। अच्छा, मैंने समझा इंडिया वाली भारतीय है। आप इंडिया वाली भारतीय हैं, आपको आपकी बेटी मिल गई है। आप मेरे साथ रहेंगे, आप खुद हमेशा याद करेंगे, कभी किसी से मिले तो मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, सबके साथ ही। कह दिया अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो आप याद करेंगे किसी से पाला पड़ा है। अच्छा बेटा आपके लिए आसानियां करे सकीना है ना नाम मेरी, सकीना के लिए अल्लाह पाक आसानियां करे, अल्लाह पाक दुख तकलीफ दूर फरमाए, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब हमारा साथ जो है ना रहेगा। ठीक है। मैं आपका पीछा रखूंगी बेटा। हाँ जी। हाँ।